हेलो और आप देख रहे हैं क्रिकप्लेक्स। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं दीपक। और मैच नंबर 40 आईपीएल 2024 का जहां पर दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है, और उस मुकाबले में क्या और इंटरेस्टिंग हो सकता है उसके बारे में मैं और दीपक यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दीपक, अगर पहले बात करें इस मैच की, तो सबसे इंटरेस्टिंग कि ये दोनों ही टीमों का इस आईपीएल 2024 में दूसरा मैच है। इससे पहले जो मैच हुआ था वो जो गुजरात में हुआ था, वहाँ पर मैच, तो वहाँ पर दिल्ली ने जो है गुजरात को वहाँ पर बीट किया था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही टीमें जो हैं चार बार अभी तक आईपीएल में एक दूसरे से टकरा चुकी हैं, और बैलेंस रहा है। दो बार गुजरात जीती है, दो बार जो है वहीं दिल्ली जीती है। इस बार ये जो मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में, आपको क्या आसार लग रहे हैं, किस तरीके से ये मैच जो है होने वाला है? पहली बात तो सर, ये पूरा आईपीएल ही अनप्रिडिक्ट सा हो गया है। हाँ। क्या क्या हो रहा है, जो सोच में भी नहीं था वो हो रहा है। और बात की जाए अगर गुजरात कैपिटल वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की, तो पिछला मैच हम देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से 100% डोमिनेंट थी गुजरात पे। करेक्ट। हालांकि टीम कॉम्बिनेशन जो उन्होंने खिलाया था, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जिसकी वजह से वो उसको आई थिंक व्हाट वाज द स्कोर, आई थिंक 126 समथिंग, एंड वो उन्होंने जल्दी अचीव कर लिया था। इसमें अभी जो प्रेशर है वो गुजरात पे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जबकि आप आंकड़ों की बात करते हो तो दिल्ली को ये मैच जीतना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि दिल्ली अभी तक 3 मैच जीती है, गुजरात ने अभी तक 4 मैच जीते हैं अपने दोनों। हालांकि दोनों टीमों ने 8-8 मैच जो है वो खेल लिए हैं, लेकिन हाँ प्रेशर मेरे को लगता है दिल्ली पे ज्यादा है इस टाइम। दिल्ली पे प्रेशर पॉइंट्सों का है कि उनको ये एनी हाउ पॉइंट लेने पड़ेंगे। करेक्ट। इफ दे वांट टू बी सस्टेन इनटू यू नो दिस रेस। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर मैं ग्राउंड की बात भी कर लेते, जहां पर मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम जो है, जो कि पहले की फिरोशा कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, तो ये स्टेडियम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर वहां पे जो है आई थिंक वो बैटर्स पैराडाइज है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और आई थिंक लंबे शॉट्स मारने में मजा आता है। आप देखोगे तो आपको ना ये लगेगा कि यार यहाँ आना स्पिनर्स के लिए मदद है, तो बेचारे वो स्पिनर्स के लिए मदद तो है, लेकिन वो ग्राउंड इतना छोटा है कि वो बंदा जहाँ पे स्पिनर्स की कैच आती है बाउंड्री लाइन पे, दूसरे जो स्टेडियम है वहाँ पे वो बाउंड्री लाइन है, वहाँ वो बाउंड्री के अंदर कैच कर लेते हैं, लेकिन यहाँ वो छक्का हो जाता है। हाँ। तो वो स्पिनर्स के लिए वो मतलब अभिशाप ही हो गया है, जो उनको मदद मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हाँ। कि ये ग्राउंड छोटा है, तो इसमें एक यही डिसएडवांटेज है कि जहाँ पर और ग्राउंड्स में अगर स्पिनर को बैट्समैन उठा के मारने की कोशिश करता है तो वो कैच हो जाएगा, यहाँ पे वो छक्का चला जाएगा। तो इस वजह से हम यही कह सकते हैं। और अभी आप मैचेस देखोगे भी ना, तो दिल्ली में भी जो पिछला मैच हुआ है जिसमें हैदराबाद ने आई थिंक राउंड अबाउट 270 के आसपास ले गई थी स्कोर। करेक्ट। तो बैट्समैन के लिए भी तो अच्छा ही है, जो अगर लेकिन अगर यहाँ पे कोई सेकंड बैट करे तो दैट इज मच मोर इजियर टू चेज। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि अगर कोई टीम यहाँ पर पहले टॉस जीतती है तो उसको पहले बॉलिंग लेनी चाहिए ताकि वो सेकंड हाफ में चेज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन जो है यहाँ पे दीपक ने बताया कि भाई अगर कोई टीम यहाँ पर टॉस जीतती है, चाहे दिल्ली जीते चाहे गुजरात जीते, तो उनको वहां पर जो है बेसिकली पहले बॉलिंग लेनी चाहिए, आइडियली बॉलिंग लेनी चाहिए और चेज करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। अगर मैं प्रोबेबल 11 की बात करूं दोनों ही टीमों में, तो वो किस तरीके से आप देखते हैं कि दोनों टीमों में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, अगर बात शुरुआत दिल्ली से करते हैं? देखिए, अभी अगर आप दिल्ली की बात करते हैं ना, तो दिल्ली की टीम अच्छी बैलेंस्ड है, एंड ये उनका दुर्भाग्य है या अनफॉर्चुनेट है कि वो मैच नहीं जीत पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, कभी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रन खा जाते हैं। हालांकि बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास बैट्समैन भी अच्छे हैं। अभी जो जैक फेजर आए हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हालांकि वार्नर का बल्ला थोड़ा खामोश रहा है, तो मैं चाहूंगा वार्नर के बैट से भी रन बने। बिल्कुल। और चेंजेस मेरे को लगता नहीं ये किसी चेंजेस के साथ जाएंगे, क्योंकि इनके पास डुओ है स्पिन में है, अक्षर और कुलदीप। करेक्ट। और ओपनिंग पार्टनरशिप मतलब ओपनर्स भी अच्छे हैं और मिडिल ऑर्डर भी ठीक है। लेकिन तो फिर अगर हम ये सोचें कि भाई ऑन पेपर टीम बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस टीम लग रही है, तो फिर क्या कप्तानी में थोड़ी प्रॉब्लम है? ऋषभ पंत जो बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, शायद वो थोड़ा रस्ट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषभ पंत ने तो बहुत ही अच्छा कमबैक किया है और कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। सर ये होता है कि आज आप अगर मैं थोड़ा अच्छा खेल रहा हूँ तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा खेल रहे हो, दूसरी टीम ज़्यादा अच्छा खेल रही है। जैसे आप देखोगे कि जो टीम आपकी हैदराबाद है वो आपकी सोच में भी नहीं है, वो ऐसा खेल रही है। करेक्ट। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ये हो जाएगा सही। मेरे को डाउट सिर्फ अभी जो है वो है गुजरात पे। गुजरात की जो टीम है
वो अभी कुछ प्लेयर फॉर्म में नहीं है और कहीं हद तक वो जो टीम है वो डिपेंड है गिल की बैटिंग पे. मैंने देखा आपने आप देखोगे आप ऑब्जर्व करो कि 60-70% जो रन्स हैं वो गिल के पास से आ रहे हैं इन टोटल. करेक्ट. उसके बाद कहीं ना कहीं वो नहीं बन रहे हैं. लेकिन पेपर पर ये टीम भी बहुत अच्छी है. अगर मैं बात करूँ इतने अच्छे उनके पास बैट्समैन है टीम में केन विलियमसन जैसे बैट्समैन है तो फिर ऑन पेपर तो टीम बड़ी अच्छी लग रही है. लेकिन मेरे ख्याल से आप देखो विलियमसन बहुत अच्छे हैं जबकि वो कप्तान मटेरियल भी है लेकिन उनको मौका कहाँ दिया जा रहा है. हाँ. एक मैच से आप किसी भी बंदे को स्टेबल नहीं कर सकते हो. करेक्ट. उनको एक या दो मैच मिले हैं वो वहाँ पे नहीं कर पाए तो बट अगर किसी को आपको उम्मीद है कि हाँ ये बंदे ये प्लेयर खेल सकता तो आप उसको मौके देने पड़ेंगे. करेक्ट. जो कि इसमें कमी रही है. जी बिल्कुल. और एक बात और आपसे जानना चाहूँगा जाते जाते कि क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है ये मैच में अब ज़्यादा अपनी पकड़ बना क्योंकि दिल्ली का एक तो होम ग्राउंड दिल्ली का होम ग्राउंड है दिल्ली की डोमिनेंसी है. ऊपर से दिल्ली मेरे ख्याल से तो नो चेंज जाएगी जबकि गुजरात को एक दो चेंजेस करने पड़ेंगे या वो करेंगे भी जैसे मनोहर को वो चेंज करेंगे आई थिंक सो. जी क्योंकि मनोहर पहले भी नहीं खेल पाए थे और इतने अच्छे टच में नहीं है तो लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर मैं मानता हूँ वो गुजरात पे रहेगा इस मैच में. जी बिल्कुल. तो यहाँ पर देखिए बात ये कही जा रही है कि प्रेशर जो है थोड़ा सा जरूर रहने वाला है गुजरात टाइटंस के ऊपर क्योंकि आप दिल्ली में आ रहे हैं और होम ग्राउंड एडवांटेज हमेशा जो है दूसरी टीम को रहती है जो कि वहाँ पर खेलने के लिए आने वाली है. तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं इस मैच को लेकर जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिकप्लेक्स चैनल.